नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। उत्तर प्रदेश के सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज लखनऊ में एक अहम उन्होंने बैठक आयोजित की। इस बैठक में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहे। 2022 के चुनाव की तैयारियों को लेकर दोनों नेताओं ने बात की। ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि हम 2022 के चुनाव के प्रमुख मुद्दे जैसे उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली माफ, सामान्य अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, गरीबों के लिए निःशुल्क चिकित्सा और गरीब और पिछड़े समाज की मदद करके 2022 के चुनाव को जीतेंगे। देखिए, अभी भागीदारी संकल्प मोर्चा की बैठक के लिए हम लोग ज्यों आए तब तक आपका विभाग आ गया और तब से लेके अब तक हम यहीं आपके सामने हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बैठक करने तुरंत, क्योंकि विलम्ब हो गया आप लोगों से बात करने में। तो हम लोगों की साफ साफ बात है, हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पहली बात, हम उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ़ करना चाहते हैं सरकार बनाकर। हम उत्तर प्रदेश में समान अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा लागू करना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश में गरीबों के इलाज के लिए फ्री इलाज की व्यवस्था कर देना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश में अस्पतालों में बेड की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, इसको हम सरकार बना। गोरखपुर में योगी सरकार ने कोरोना को लगभग पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया है। तीसरी लहर के मद्देनजर सभी जिलों में 50 आईसीयू बेड बच्चों के लिए रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रिकॉर्ड तोड़ लोगों की कोरोना टेस्टिंग चल रही है। लोगों को जून जुलाई और अगस्त माह तक निःशुल्क खाने की चीजें बांटने का भी लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट 98% हो चुकी है। प्रदेश में गेहूं खरीदारी का लक्ष्य 15 तारीख तक पूरा कर लिया जाएगा। यहां तक के अनुमान लगाया जा रहा है कि लक्ष्य से ज्यादा खरीदारी हो जाएगी। इसके लिए सभी अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है कि किसानों को किसी भी तरीके की दिक्कत न होने पाए और इसका पूरा ध्यान रखा जाए। खरीदारी के बाद किसानों का भुगतान भी जल्द ही कर दिया जाएगा। मैंने गोरखपुर के गेहूं खरीद की समीक्षा की है। गोरखपुर मंडल में अब तक 3,04,641 मेट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है और जिसका 601 करोड़ रुपए उसकी देयता बनती है, जिसमें से 482 करोड़ रुपए का अब तक। ताज नगरी आगरा में कोरोना संक्रमण का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। रेलवे में अपनी ट्रेनों के जरिए वापसी कर रहा है। आपको बता दें कि रेलवे पीआरओ ने बताया कि आगरा दिल्ली इंटरसिटी के साथ कई ट्रेनें चलने वाली हैं। इसके अलावा कुछ ट्रेनों के समय में भी परिवर्तन किया जाएगा, जिसमें मथुरा से चलने वाली गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस शामिल है, जिसके समय में ज्यादा परिवर्तन किया जाएगा। बाकी ट्रेनों के समय में कुछ ही परिवर्तन किया जाएगा। अभी हाल फिलहाल तो आगरा कंच से न्यू दिल्ली जो अपनी इंटरसिटी पहले चलती थी वो 15 तारीख से स्टार्ट हो रही है। न्यू दिल्ली से वो 14 तारीख को चलेगी और आगरा कंच से वो 15 तारीख को चलेगी। उसी तरीके से निजामुद्दीन मद्रास जो अपनी राजधानी एक्सप्रेस है वो भी 18/6 से चालू हो जाएगी। 16/6 से उधर से चलेगी निजामुद्दीन से, 18/6 से मद्रास से चलेगी। साथ ही साथ एक गाड़ी है जो कि देहरादून कोटा, ये भी देहरादून से 14/6 को चलेगी और कोटा। बुलंदशहर में आरएलडी के युवा नेता विशाल चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सदस्यता ग्रहण की। मौके पर विशाल चौधरी ने युवा सम्मेलन और सदस्यता अभियान के तहत एक सभा के माध्यम से गंगानगर कॉलोनी में सभा आयोजित की। इस अवसर पर चौधरी वसीम रजा ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किसान भाइयों को फसलों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, इसलिए किसान भाइयों के बच्चों की स्कूल की फीस और बिजली के बिल को माफ कर देना चाहिए। चौधरी वसीम राजो ने कहा कि आने वाले समय में विशाल चौधरी युवा नेता पार्टी को मजबूत करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर अब चुनावी बिगुल टूट चुका है। युवा राष्ट्रीय लोकदल 2022 की तैयारी के लिए हम नौजवानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर नौजवान हताश और निराश है, बेरोजगारी चरम पे है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हम लोगों ने यहाँ कार्यक्रम दो जगह रखा है, एक जगह धमेड़ा में है, एक जगह यहाँ है।
मैं आपको बता देना चाहता हूँ, योगी सरकार पूर्ण रूप से फेल और उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं। आगरा में पारस हॉस्पिटल मॉकड्रिल मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया है। इस मामले में आप पार्टी ने हॉस्पिटल संचालक का पुतला फूंकने हुए जमकर प्रदर्शन किया। आईएमए के समर्थन पर उतरने पर आपने हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। पारस हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर अनिंजय जैन के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। चंद मिनटों में जो है जान चली गई। उसके बाद जो है कलेक्टर जो आगरा का है वो जो कलेक्टर इतनी नाइंसाफी कर रहा है कि कलेक्टर डॉक्टर को जेल नहीं भेज रहा है, जबकि कोई छोटा मोटा आदमी होता तो उसको तो सीओ एसपी जेल भेज देते। और कलेक्टर जिम्मेदार होकर के, कलेक्टर राज्य मुख्यमंत्री होता है एक जिले का, और कलेक्टर कह रहा है, सरेआम कलेक्टर झूठ बोल रहा है कि मतलब जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं मौत हुई है। और कलेक्टर कह रहा 22 जो है लोगों की उस दिन जो है जान नहीं गई है। आगरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकार से युवा, किसान, व्यापारी और आम जनता परेशान हो रही है और कोरोना की समस्या से जूझ रहे लोगों के व्यापार ठप्प पड़े हैं, उसके बाद भी जनता की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि को लेकर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने आगरा के सभी ब्लॉक स्तर पर दमदार प्रदर्शन किया। पेट्रोल मूल्य भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार पेट्रोल पर मूल्य वृद्धि हो रही है। खाने पीने के जो खाद्य पदार्थ के तेल है, लगातार जो 70 रुपए सोयाबीन का ऑयल बिकता था वो आज 180 रुपए 190 रुपए ऑयल बिक रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार क्रूड ऑयल घट रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है। मनमोहन सिंह जी की सरकार में क्रूड ऑयल महंगा था, वो पेट्रोल 72 रुपए 75 रुपए मनमोहन सिंह की सरकार बेचने का, कांग्रेस की सरकार बेचने का काम कर रही थी। ये 100% पूरे देश को खोखला कर चुके हैं और इस मूल्य वृद्धि को करके आम जनता की जेब को खाली कर रहे हैं और लगातार इस देश में जो लूट का आलम मचा हुआ है। बदायूं के उसहैद थाना क्षेत्र के गांव मसूदापुरा में बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सामने आया है। उनके नाबालिग नाती ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि हत्या के एक दिन पहले वह दिल्ली भाग गया था। वहां से घर लौटने पर सबसे ज्यादा विरोध उसकी दादी ने ही किया। वहीं इस बात से वह परेशान हो गया और नाराज होकर उसने सोते समय बुजुर्ग महिला का तकिया से मुंह दबाकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दो लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। तो बदायूं से यह बड़ी खबर सामने आई, जहां एक रिश्तों के खून का मामला सामने आया है, जहां एक नाती ने ही अपनी दादी का कत्ल कर दिया है। आपको बता दें कि मामूली विवाद पर नाराज होकर नाती ने अपनी ही दादी की तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी। बस्ती में पुलिस और स्कॉट टीम को सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए तस्करों के पास से पुलिस ने 22 किलो गांजा बरामद किया है और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इस गांजे की कीमत करीब 4,44,000 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा तस्करों के पास से 12 बोर का असलहा, एक कारतूस, एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। वहीं एसपी ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान तस्करों को पकड़ने में उन्हें सफलता हासिल हुई है। कल रात्रि 1:30 बजे थाना कप्तानगंज की पुलिस और स्वाट टीम और सर्विलांस की टीम के साथ में अपराधियों की मुठभेड़ हुई, जिसके बाद इन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। 2 अपराधी गिरफ्तार हैं, जिनके कब्जे से एक अवैध असलहा और 22 किलो गांजा बरामद हुआ है। ये अपराधी, जिसमें से एक अपराधी रवि चौहान हरैया थाने का निवासी है और एक पालजी गौतम वाटरगंज थाने का निवासी है, ये एक बाइक से जा रहे थे और इनको जब रोका गया तो भागने लगे। बाद मुठभेड़ इनसे इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनसे प्राप्त जो गांजा है उसके आधार पर NDPS का अभियोग पंजीकृत है। इनके ऊपर आगे गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। इस सराहनीय कार्य के लिए पूरा कार्य करने वाली समस्त टीम को 10,000। पेट्रोल डीजल के दामों में हो रहे इजाफे को लेकर गोरखपुर में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि COVID-19 से फैली महामारी के बीच पूरे देश में पेट्रोल व डीजल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। ईंधन की कीमतों में यह ऐतिहासिक और निरंतर वृद्धि है।
जब जनता कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रभाव से जूझ रही है। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए लीटर का आंकड़ा भी पार कर चुकी है। आज राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती महंगाई को लेकर के आज हम सभी लोग पेट्रोल टंकी पर हर ब्लॉक स्तर पे शहर में जिले में आज सभी कांग्रेस जन धरने पर बैठे हुए हैं। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जिस समय कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, ऐसे समय में यह बेशर्म सरकार, बेशर्म प्रधानमंत्री जो लगातार पेट्रोल और डीजल के। हमीरपुर में लग रहे नए ऑक्सीजन प्लांट का भूमि पूजन करने के लिए प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल मौके पर पहुंचे। ऑक्सीजन प्लांट के भूमि पूजन के बाद प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने अधिकारियों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। यूपी में राजनीतिक हलचल पर भी प्रभारी मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आई, जहां प्रभारी मंत्री ने आज ऑक्सीजन प्लांट का भूमि पूजन किया है। आपको बता दें कि जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट हमीरपुर के लोगों को मिल जाएगा, जिसका आज भूमि पूजन किया गया है। सीतापुर के बिसवा थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इस मारपीट में लाठी डंडों के साथ गोलियां भी चली। इस दौरान 4 लोग इस गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि विपक्षियों ने जान से मारने की नियत से कई राउंड फायरिंग की है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रशवीर सिंह को क्राइम फ्रीज जालौन की ओर एक और सराहनीय कदम बढ़ाया गया है। थाना एट पुलिस और एसओजी व सर्विलांस सेल की संयुक्त कार्यवाही में उन्हें सफलता मिली है। विभिन्न थानों में दर्ज मुकदमों के आधार पर 15,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़ा गया शातिर काफी समय से सक्रिय था और यूपी के अलग अलग इलाकों में उसने कई वारदातों को अंजाम भी दिया था। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही शातिर के खिलाफ कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर एक्शन लिया गया है। कानपुर देहात में भी डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि इस महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। हाथ में स्लोगन लेकर कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया। यह कांग्रेसियों का प्रदर्शन रसूलाबाद इलाके में हुआ है। सोनभद्र में कोविड-19 के संक्रमण से सुरक्षा व बचाव हेतु पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने आज जनपद पुलिस ने पैदल गश्त दी। आपको बता दें कि बाजारों, प्रमुख चौराहों, संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों के साथ भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान लोगों को सख्त हिदायत दी गई कि कोविड नियमों का पालन करें। साथ ही साथ अनावश्यक रूप से बिना मास्क के घूम रहे लोगों का चालान भी काटा गया। औरैया के थाना एरवा कचरा क्षेत्र में खेतों में राष्ट्रीय पक्षी मोर बड़ी संख्या में मृत मिले। राष्ट्रीय पक्षी के साथ इतनी बड़ी संख्या में मिलने की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। साथ ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तत्काल थाना एरवा कचरा को मामले की सूचना दी। ग्रामीणों का कहना है कि 4 दिन पहले इसी जगह 10 मोर मृत पाए गए थे। वहीं मौके पर पहुंचे जिला पंचायत सदस्य प्रकाश यादव ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं पुलिस प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया गया कि मामले को संज्ञान में ले लिया जाए, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। सर भाई, 3-4 दिन पहले 9 मोरों की मृत्यु हो गई थी और आज चौथा दिन है या चौथे दिन भी आज 3 मोरों की मृत्यु होगी, पता नहीं चल पा रहा है किस कारण बस ये मोरों की मृत्यु हो रही है। ना प्रशासन कोई पता लगा पा रहा है, इतनी काम ढीला पड़ रहा है, इससे ये भी मोर नहीं बचेगी। आपने तत्काल एरवा कटरा थाने में सूचना जी? मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात की, इंस्पेक्टर साहब ने फोर्स भेजा है यहाँ और मेरे यहाँ जिला पंचायत सदस्य हैं श्री प्रकाश चंद्र यादव जी, ये भी यहाँ मौजूद हैं और सारे ग्राम के लोग भी मौजूद हैं
मगर सर प्रशासन पता कुछ पता ही नहीं लगा पा रहा किस कारण से ये मृत्यु हो रही है मोरों की। आइए जानते हैं जिला पंचायत सदस्य जी से क्या उनका कहना है, क्या कहना है सर। देखिए अभी हमने बात की है, ये वन विभाग के वन रक्षक आए हुए हैं, उनसे मैंने बात की है। तो पिछली बार यहाँ अभी 2-3 दिन पहले 9 मोर मरी थी, उनका कहना ये है कि उनके सैंपल लेकर के हमने पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं, क्योंकि डीएम महोदय द्वारा काफ़ी संख्या मृत मरी थी मोरें, इसलिए एक टीम गठित की गई है, डॉक्टरों का एक पैनल गठित किया गया है, पैनल द्वारा ही पोस्टमार्टम किया जाएगा और जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एरवा कटरा थाना क्षेत्र के ग्राम तकिया में यहाँ आए दिन हादसा मोर को लेके हो रहे हैं। पिछले 4 दिन अभी नहीं बीते, 4 दिन पहले लगभग 10 मोर यहाँ मृतक पड़ी हुई थी। गांव वाले ने जैसे ही सूचना दी तत्काल एरवा कटरा पुलिस पहुंची मौके पे और आज भी यहाँ 3 मोर मृतक पड़े हैं। गांव वालों में काफी बुलंदशहर के खुर्जा थाना में कुछ लोगों ने युवक को रास्ते में रोककर उसके साथ जमकर मारपीट की। मारपीट के दौरान युवक के घर वाले बीच बचाव करने के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन इस दौरान परिवार के लोगों के साथ भी जमकर मारपीट की गई। वहीं घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद पीड़ित परिवार का कहना है कि अस्पताल वालों ने मेडिकल करने से ही उनको मना कर दिया और कई रुपयों की भी डिमांड करने लगे। वहीं जब पुलिस में मामले को लेकर शिकायत की गई तो वहां से शिकायत के लिए जब चौकी पहुंचे तो वहां से भी उन्हें भगा दिया गया और कोई भी सुनवाई नहीं की गई, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने आज SSP ऑफिस में जाकर शिकायती पत्र सौंपा है। वहीं इस घटना पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवांग शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शिवांग बताइए क्या कुछ है ये पूरा मामला। जी बिल्कुल, मैं देखिए आपको बता दूं कि पूरा मामला थाना खुर्जा के अंतर्गत एक गांव का है, जहां पर एक 12 वर्षीय लड़का रास्ते से निकलकर जा रहा था, तभी अचानक मोहल्ले में कुछ युवक जो आए उन्होंने आकर उन पर हमला कर दिया, उस पर और गाली गलौज करने लगे, बदतमीजी करने लगे। वहीं जब घटना को सुनकर परिवार के लोग बाहर निकलकर आए और झगड़े का बीच बचाव करने लगे तो उनको भी उन युवकों ने हमला कर दिया उन पर भी, और उसके बाद देखा गया कि उनके गंभीर सिरों में गंभीर चोट आई है, युवक के उस लड़के के मामा और मम्मी के सिर में गंभीर चोट आई है, जिसके लिए परिवार ने बताया कि जब मेडिकल के लिए अस्पताल गए तो वहां जाकर उनसे 10,000 रुपए की डिमांड की गई कि 10,000 रुपए दीजिए, उसके बाद ही मेडिकल कराया जाएगा। और पुलिस के पास गए तो पुलिस ने भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और पुलिस का भी और वहां से थाने से चौकी से भगा दिया गया। तो पीड़ित परिवार लगातार 3 महीने से न्याय की गुहार लगा रहा है। वहीं आज पीड़ित परिवार ने सुनवाई के लिए SSP संतोष कुमार सिंह के यहाँ पर शिकायती पत्र सौंपा है। संतोष कुमार सिंह ने मामले के जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। जी तो शिवांग जिस प्रकार से मारपीट की गई है, इस मारपीट में पीड़ित पक्ष का क्या कुछ कह सकते हैं कि बयान सामने आया है, क्या मारपीट के कारण क्या है? पीड़ित पक्ष का तो लगातार यही कहना है कि लड़का वहां से निकल कर आ रहा था और उसको कमेंट करने लगे, उसको बदतमीजी करने लगे, गाली गलौज करने लगे, जिसके बाद लड़के ने कहा कि भाई गाली गलौज क्यों कर रहे हो इस प्रकार से, फिर उसके पास आके उन्होंने उसको हमला कर दिया और उस पर बदतमीजी करने लगे, हाथ पैर उनके मतलब तोड़ दिए और वहां पर जो है उसको मारा बुरी तरीके से। जी तो जिस प्रकार से आज पीड़ित परिवार ने SSP कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है, ऐसे में SSP कार्यालय से क्या कुछ बयान सामने आए हैं? SSP कार्यालय में से कार्रवाई के आश्वासन दे दिए गए हैं और पुलिस को निर्देश दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इस मामले पर गंभीरता जताई जाए और कार्रवाई की जाए। बहुत धन्यवाद शिवांग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बुलंदशहर से आपको खबर बता रहे हैं जहां एक पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। आपको बता दें कि पीड़ित पक्ष में के युवक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की, वहीं जब मारपीट का विरोध किया गया तो परिवार वालों के साथ भी मारपीट की जाती है। वहीं अब प्रशासन भी पीड़ित परिवार का साथ नहीं दे रहा है और उन पर कार्यवाही के नाम पर उनसे रुपयों की उगाही की जा रही है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, तो जहां बुलंदशहर छतारी थाना क्षेत्र के गांव लुधपुरा में रास्ते को लेकर दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है, जहां नाली को लेकर दो परिवारों में लड़ाई हो गई जो देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर जानलेवा हमला करने लगे। आपको बता दें कि एक युवक ने महिला को पीट पीट कर उसकी टांग तोड़ दी, घायल महिला को लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया और इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने झगड़ा करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले की कार्यवाही की जा रही है। तो बुलंदशहर से ये मामला सामने आया जहां दो पक्षों के बीच नाली को लेकर विवाद छिड़ गया। आपको बता दें कि विवाद इतना गहरा गया कि जमकर मारपीट की गई, जिसमें एक महिला
गंभीर रूप से घायल हो गई है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मामले का संज्ञान लिया और झगड़ा करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां मारपीट का यह मामला सामने आया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार से विवाद छिड़ा हुआ है। आपको बता दें कि वहां पर तत्काल पुलिस भी पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले को शांत करवाया। वहीं इस खबर पर हमारे संवाददाता शिवांग हमसे जुड़े हुए हैं। तो शिवांग बताइए, क्या कुछ है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला थाना छतारी के अंतर्गत गांव लदूपुरा का है, जहां से एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में देखा जा रहा है कि दो पक्षों में विवाद हो रहा है। दरअसल विवाद जो है एक परिवार के घर के बने चबूतरों को गिराने को लेकर हुआ है, जिसमें दोनों पक्षों में जो है झगड़ा हो गया है। देखते ही देखते विवाद इस कदर बढ़ गया कि एक पक्ष में से एक व्यक्ति की टांग टूट गई और महिला घायल हो गई है। दूसरे पक्ष के लोगों ने जानलेवा हमला बोल दिया था। उसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची मौके पर, लेकिन देखने वाली बात यह है कि पुलिस के सामने ही दबंग किस प्रकार अपनी दबंगाई दिखा रहे हैं। दोनों पक्षों को पुलिस समझा ही रही थी कि इतने में दूसरे पक्ष ने पीड़ित पक्ष पर हमला बोल दिया। जिस प्रकार से ये विवाद सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने इसमें मामले में गिरफ्तारी भी की है, वही पुलिस ने इस मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? जी अभी तक इसमें गिरफ्तारी का कोई पहलू सामने नहीं आया है, लेकिन मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है और लगातार जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जो भी पहलू निकल कर आएंगे, उसके आधार पर जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांग इस तमाम जानकारी के लिए। तो बुलंदशहर से आपको ये खबर बता रहे थे, जहां मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच में मारपीट देखने को मिली है, जहां पर मामला इतना गहरा गया कि एक महिला इस मारपीट में गंभीर रूप से घायल हो गई। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।